Hello everyone, today I'm going to discuss the topic leverage and its type. So before starting this topic, let me tell you about the general meaning of leverage. तो पहले तुम लोग general way में समझ लेते हैं कि leverage का मतलब क्या होता है. So leverage refers to an increased means of accomplishing some purpose. तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जब कभी भी आपको कुछ achieve करना होता है तो आप किसी instrument की, आप किसी tool की, किसी equipment की आप help लेते हो जिसकी वजह से आप उसको achieve कर पाते हो. For example, अगर रास्ते से आप जा रहे हो और एक बहुत बड़ा सा पत्थर आपके रास्ते में आ गया है तो उस केस में आप क्या करोगे कि उसको खुद से पहले हटाने की कोशिश करोगे. अगर आप नहीं हटा पाते हो तो आप क्या करोगे, उसके लिए किसी इंस्ट्रूमेंट को, किसी टूल को या किसी इक्विपमेंट को आप सर्च करोगे जिसकी हेल्प से आप उसको पुश करके अपने रास्ते से हटा सको. तो आपने एक रॉड को सपोज आपने सर्च किया और उसकी हेल्प से आपने उस पत्थर को अपने रास्ते से हटाया. सो दैट रॉड विल हेल्प यू इन शिफ्टिंग दैट स्टोन फ्रॉम दी रोड. तो वो जो रॉड है वो आपका लिवरेज का काम करेगा. ठीक है, सो इसी तरह से लिवरेज का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आपका कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई एक ऐसा इक्विपमेंट जिसकी हेल्प से आपको पावर मिल जाती है और आपने उस पर्पज को अकम्प्लिश कर लेना है. नाउ ये जो कंसेप्ट है लिवरेज का, ये तो जनरल मीनिंग थी. अब ये जनरल मीनिंग की जो लिवरेज का कंसेप्ट है ये आपका बिजनेस में भी अप्लाई होता है. बिजनेस में किसी दूसरे तरीके से अप्लाई होगा. अब वो कैसे अप्लाई होगा, फॉर एग्जांपल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिवरेज में बी डिफाइन एज अ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन असेट्स और सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर विच फर्म हैज टू पे फिक्स कॉस्ट और फिक्स रिटर्न. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कंसेप्ट में अगर लिवरेज को समझा जाए तो यहाँ पर दो चीजें आ जाती है, फर्म को इम्प्लॉय करना है फर्स्ट असेट्स और दूसरा आ जाता है आपका सोर्सेज ऑफ फंड्स. तो जब फर्म इम्प्लॉय करेगी असेट्स को तो उस केस में उसको फर्म को रिटर्न में क्या पे करना होगा, कॉस्ट पे करना होगा एंड दैट कॉस्ट मे बी योर फिक्स कॉस्ट. तो फिक्स कॉस्ट को आप फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं. सेकेंड, फर्म अगर सोर्सेज ऑफ फंड को इम्प्लॉय करती है तो उस केस में फर्म को फिक्स रिटर्न पे करना होगा जिसको फाइनेंशियल कॉस्ट भी कहा जाता है. ठीक है, तो इसी को आपको लिवरेज कहा जाता है. तो ऑन देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट इज असेट्स एंड सेकेंड वन इज सोर्सेज ऑफ फंड. असेट्स अगर इम्प्लॉय करती है फर्म तो उस पर क्या पे करेगी, फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट को फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहा जाता है. सेकेंड इज सोर्सेज ऑफ फंड. सोर्सेज ऑफ फंड जैसे कि आपके डेप्थ हो गए, आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई, जिस पर कंपनी को क्या पे करना होगा, फिक्स रिटर्न पे करना होगा. दैट मे बी इन टर्म्स ऑफ योर फिक्स इंटरेस्ट और फिक्स्ड डिविडेंड. तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल कॉस्ट. सो व्हेन इट इंक्लूड्स टू थिंग, दैट इज असेट्स एंड सोर्सेज ऑफ फंड एंड व्हाइल एम्प्लॉइंग बोथ द थिंग्स, ए फर्म इज पेइंग फिक्स कॉस्ट एंड फिक्स रिटर्न, दिस कैन बी टर्म्ड एज योर लिवरेज. तो ये दोनों आपकी जो फिक्स कॉस्ट और फिक्स रिटर्न है ये फलक्रम का काम करेगी और जिससे लिवरेज आपका और लिवरेज मैग्निफाई करेगा इनके इन्फ्लुएंस को. नाउ अनदर थिंग, जितना हायर होगा लिवरेज, जितनी हाई डिग्री का लिवरेज होगा उतना ही हाई रिस्क भी होगा और उतना ही हाई रिटर्न भी होगा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप याद रखिएगा. तो दैट मीन्स हायर द डिग्री ऑफ लिवरेज, हायर इज द रिस्क एसोसिएटेड टू इट एंड हायर विल बी द रिटर्न टू द ओनर्स. नाउ लिवरेज मे बी योर फेवरेबल, लिवरेज मे बी योर अनफेवरेबल. फेवरेबल मतलब अगर अच्छा रिटर्न मिल गया उस लिवरेज की वजह से, उसकी हेल्प से, तब तो वो फेवरेबल हो गया. अगर आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिला, दैट मीन्स रिस्क हाई था, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो अनफेवरेबल हो जाएगा एंड इट विल गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट और रिवर्सिबल इफेक्ट. नाउ देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ लिवरेजेस. अब टाइप्स की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर थ्री टाइप्स के लिवरेज होंगे. पहला आपका ऑपरेटिंग लिवरेज होगा, दूसरा आपका फाइनेंशियल लिवरेज होगा और तीसरा आपका कंपोजिट लिवरेज होगा. अब ये ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, देखिए ऑपरेट यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज़ों की बात की थी, एक असेट्स और एक सोर्स ऑफ फंड. ठीक है, तो जब असेट को कंपनी या फर्म इम्प्लॉय करेगी और जिसके बदले में उसको फिक्स कॉस्ट पे करना होगा तो वो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कहलाएगा. और इस केस में जो लिवरेज है विच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, जब
आपका जो लिवरेज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा तो वो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कहलाएगा। और यहाँ पर फर्म क्या कर रही है, असेट्स को इम्प्लॉय कर रही है और जिसके बदले में वो फिक्स कॉस्ट पे कर रही है। नाउ फाइनेंशियल लिवरेज क्या हो जाना है, व्हेन, दूसरा वाला चीज आ जाएगा, व्हेन फर्म इज इम्प्लॉइंग सोर्स ऑफ फंड्स फॉर विच फर्म हैज टू पे फिक्स रिटर्न। तो जिसके बदले में फिक्स रिटर्न फर्म को पे करना है और फर्म इम्प्लॉय क्या कर रही है, सोर्सेज ऑफ फंड, तो वो आपका फाइनेंशियल लिवरेज कहलाएगा। फाइनेंशियल लिवरेज के केस में दीज लिवरेज आर एसोसिएटेड विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ये आपका फाइनेंशियल लिवरेज होगा। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है और यहाँ पर आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। नाउ कंपोजिट लिवरेज, कंपोजिट लिवरेज को कंबाइंड लिवरेज भी कहा जाता है। मेन पर्पस ऑफ कंपोजिट लिवरेज इज टू डिटरमाइन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द लिवरेज, मतलब इन दोनों का कंबिनेशन और इनका जो इफेक्ट होगा वो चेक करने के लिए कंपोजिट लिवरेज का यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पर आपकी असेट्स भी आ जाएंगे इस केस में और सोर्सेज ऑफ फंड भी आ जाएंगे और फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगा प्लस फिक्स रिटर्न भी आ जाएगा। तो जब कंप्लीट इफेक्ट आपको देखना होगा लिवरेज का तो आप कंपोजिट लिवरेज का यूज करेंगे। ओके, नाउ लुक इट हियर, दिस इज एन इनकम स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये स्टेटमेंट है जिसका फर्दर हम लोगों को लिवरेज में यूज करना है। अभी जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम लोगों के लिवरेज में, चाहे वो ऑपरेटिंग लिवरेज में हो, चाहे वो फाइनेंशियल या कंपोजिट में हो, उसमें इस इनकम स्टेटमेंट की बहुत हेल्प आनी है। सो इसको आप अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए और इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ओके, सो सेल्स रेवेन्यू, इक्वेशन क्या है, सेल्स रेवेन्यू, जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करते हैं, सेकेंड वन इज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को आपको डिडक्ट करना है तो आपको क्या मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट राइजेस और फॉल, मतलब या तो ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, बट विद द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो जैसे ही आपका जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा या घटेगा तो उसके हिसाब से ये वेरी करती है, इसमें फ्लक्चुएशंस होंगे, ये चेंज हो सकती है वेरिएबल कॉस्ट। बट अगर आपने डिडक्ट कर लिया तो क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन में से आपको फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है। अब ये फिक्स कॉस्ट क्या है, देयर आर टू टाइप ऑफ कॉस्ट, फर्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड सेकंड वन इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट रिमेन फिक्स्ड विद द लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल रेंट, भले आपका प्रोडक्शन या आउटपुट बढ़े घटे क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंट आपका जो फिक्स है वो आपको पे करना ही करना है। तो वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी विद द लेवल ऑफ आउटपुट यू कैन से, और फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ द आउटपुट। तो यहाँ पर दो कॉस्ट इन्वॉल्व है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो जब कॉन्ट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट डिडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जानी है, ईबीआईटी। ईबीआईटी स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ईबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है। फर्दर आगे न्यूमेरिकल करूंगी तो उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी टर्म मैं यूज कर सकती हूँ, सो डोंट गेट कंफ्यूज, वो आपका ईबीआईटी होगा। ओके, ईबीआईटी में से आपको इंटरेस्ट डिडक्ट करना है, तो जब आप ईबीआईटी में से इंटरेस्ट डिडक्ट कर लेंगे तो आपके पास क्या रिमेनिंग बचेगा, पीबीटी, दैट मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को नेट इनकम भी बोला जाता है और टैक्सेबल इनकम भी बोला जाता है। आपके अलग अलग ऑथर्स की बुक हैं, उसमें कहीं कहीं नेट इनकम टर्म यूज किया जाता होगा, कहीं कहीं टैक्सेबल इनकम यूज किया जाता होगा। सो दैट इज सेम एंड इट इज इक्वेलेंट टू पीबीटी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आपको टैक्स डिडक्ट करना है, जब आपने टैक्स डिडक्ट कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, पीएटी, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है इनकम की, ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, इसको आप याद कर लीजिए और फर्दर जो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे उसमें इसका यूज भी है। सो इन शॉर्ट आई कैन से लिवरेज रेफर्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स एंड दैट वेरिएबल्स इज रिलेटेड टू योर बिजनेस फर्म। और वो कौन कौन से वेरिएबल हो सकते हैं, दैट मे बी कॉस्ट, दैट मे बी योर आउटपुट, दैट मे बी योर सेल्स, दैट मे बी योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, दैट मे बी योर ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर, दैट मे बी योर पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्सेट्रा। तो ऐसे जो भी रिलेशनशिप हम लोग इन वेरिएबल्स के बीच में देखेंगे, दैट मे बी योर
ऑपरेटिंग लेवरेज, दैट मे बी योर फाइनेंशियल लेवरेज और कंपोजिट लेवरेज. तो फर्दर हम लोग का जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं डिटेल में टाइप को वन बाय वन डिस्कस करूंगी अलॉन्ग विद दी न्यूमेरिकल, ताकि आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.